हिंदू मजदूर सभा की ओर से नागपुर शहर में 75वीं वर्षगांठ पर 34 त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन आमदार निवास में किया गया है, जिसकी शुरुआत बुधवार को गौरव यात्रा से की गई। हिंदू मजदूर सभा की ओर से शहर के आमदार निवास में 75वीं वर्षगांठ पर त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। 3 जनवरी से 5 जनवरी तक चलने वाले इस अधिवेशन की शुरुआत बुधवार को गौरव यात्रा से की गई। शहर के संविधान चौक से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर इस गौरव यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि आमदार निवास पर समाप्त हुई। इस गौरव यात्रा के दौरान HMS के महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू, विधायक आशीष जायसवाल और कोयला श्रमिक सभा के अध्यक्ष शिव कुमार यादव उपस्थित थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हिंद मजदूर सभा को 75 साल पूरे हो रहे हैं, हो गए 48 में, 1948 में दिसंबर में 24, 25, 26 को कलकत्ता में इसका जन्म हुआ था और 75 साल में हिंद मजदूर सभा ने हिंदुस्तान के हर राज्य में, हर सेक्टर में अपनी यूनियनें बनाई हैं। मजबूती के तौर पर भारतीय रेलवे के 17 जोन में हमारे जो एफिलिएट हैं वो नंबर 1 पर हैं। प्रोडक्शन यूनिट जितने भी हैं, या इंजन बनते हैं, कोच बनते हैं, वहाँ पर हिंद मजदूर सभा की यूनियनें जो है नंबर 1 पर हैं। जो समुद्री जहाज के अंदर वर्कर काम करते हैं उसमें हमारा नंबर 1 है बाय गवर्नमेंट वेरिफिकेशन। कोल के अंदर, कोल माइंस के अंदर जितने हमारे साथी काम करते हैं वहाँ पर यूनियनें जो है वो नंबर 1 पर बाय चेकआउट सिस्टम एवरी ईयर हिंद मजदूर सभा नंबर 1 पर है। WCL जो इसका आयोजक है, जो होस्ट है, वो बाई चेकऑफ में नंबर 1 पर है इस वक्त। बाकी सब देश के जितने भी मजदूर संगठन हैं वो हमारे से नीचे हैं। इसलिए हिंद मजदूर सभा जो फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा तकरीबन मेंबरशिप 1.5 करोड़ के करीब है और हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में गवर्नमेंट की वेरिफिकेशन से हम नंबर 1 पर है। भारतीय रेलवे सबसे बड़ा उद्योग है, भारतीय रेलवे के अंदर बाई सीक्रेट बैलेट से, अभी से नहीं, देश की आजादी से पहले से अभी तक हम नंबर 1 पर हैं बाई सीक्रेट बैलेट चुनाव में। पोर्ट एंड डॉक में गोदी कर्मचारी जितने हैं वो सब हमारे नंबर 1 पर हैं। मुद्दे हमारे ये हैं कि अभी हमारा जो देश है वो 2025 में दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री बनेगा। हमारा 67% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी दी बिलो 29 ईयर्स, 29 साल से नीचे वाले रहेंगे, परंतु उनके लिए दो हाथ में अच्छी रोजगार मिले जो सरकार का भी एजेंडा है, ऑल इंडिया का जो UN असेंबली है उसका भी एजेंडा है कि दुनिया के अंदर से भुखमरी खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, चाइल्ड लेबर खत्म हो, सबको अच्छी नौकरी मिले, डिसेंट वेज की मिले, नौकरी की सुरक्षा होनी चाहिए, रहने के लिए घर मिले, उसमें बिजली रहनी चाहिए, 24 घंटे पीने वाला पानी मिले, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल रहे, कोई बच्चा बिना स्कूल के ना रह जाए, कोई भी बीमार आदमी बिना इलाज के लिए ना मर जाए। ये सारी चीजें बुनियादी हक है एक नागरिक के लिए। उनके अचीवमेंट के लिए हमारा जो संगठन है वो 24 घंटे संघर्ष करता रहता है। सरकार कोई भी रहे, एम्प्लॉयर कोई भी रहे, परंतु जो देश का निर्माण करता है, जो देश के अपने खून और पसीने से देश का निर्माण करता है, उसके हकों को जो हमारे संविधान में लिखा है, उस संविधान के हक को बाइज्जत लेने के लिए हिंद मजदूर सभा देश के कोने कोने में ये जो यूनियनें बनाई हैं वो उसके लिए संघर्ष करती हैं और उन हकों को लेने के लिए प्रयास करती हैं। हिंद मजदूर सभा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और नागपुर में वो आई है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं उनका स्वागत करने में यहाँ पर आया हूँ और देश के तमाम कामगार लोगों के हित के लिए वो काम करती है, तो वो नागपुर में आए ये हमारे लिए नागपुर के सौभाग्य की बात है। तो सबका मैं नागपुर में स्वागत करता हूँ और उनके रैली की शुरुआत के लिए मैं उनसे मिलने यहाँ पर आया हूँ। पहले तो धन्यवाद मैं अपने जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी और ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं उनका करूँगा कि उन्होंने हमारे को इस लायक समझा कि नागपुर के कोयला श्रमिक सभा जो WCL में कार्यरत यूनियन है पहले नंबर की, उनको उन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त करने का मौका दिया कि इतना पूरे ऑल इंडिया का अधिवेशन उन्होंने नागपुर में हमको करने के लिए दिया है। आज के इस अधिवेशन में हजारों की संख्या में पूरे भारत से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग और हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और हमारा जो अभी हमारे महामंत्री जी ने बताया कि देश में हम कई बड़े सेक्टर में, जो सबसे बड़ा रेलवे का है वहाँ पर हम प्रथम क्रमांक में हैं, कोयले में हम लोग लगातार प्रथम क्रमांक में हैं, अपने अपना जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का WCL है उसमें भी हम पिछले 4 साल से लगातार पहले क्रमांक में और भारी संख्या में हैं। तो इस तरह से जब कामगार हमें अगर आशीर्वाद दिया हुआ है तो काम कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हम लोग लोगों की सेवा में लगे, उसी का फल आज आप लोग के सामने दिख रहा है। माननीय आशीष जायसवाल साहब, इन्होंने इस संगठन के इस पे लगातार 3-4 दिन से अपने तरफ से जितना हो सक रहा है सहयोग करने के लिए, इतनी भारी बड़ी व्यवस्था, इतना यानी जहाँ 5,000 लोग हमारे आए हुए हैं, 5,000 लोगों को रुकने की व्यवस्था
व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान माननीय आमदार आशीष जायसवाल साहब का, आमदार के साथ साथ में वो मंत्री भी है, ऑलरेडी मुझे मालूम है मंत्री दर्जा है उनके पास में, लेकिन देखिए एकदम साधारण तरीके से उन्होंने सहयोग अपना घर का समझकर मदद किया। मैं सभी आए हुए हमारे पूरे देश से और विदेश से भी 182 देश के जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी 2 मिनट में यहाँ पहुँच रहे हैं, वो और बाकी भी कई देशों से आए हुए हैं हमारे गेस्ट, उन लोग भी हमें शुभेच्छा देने के लिए ये एक साथ आए हुए हैं, तो मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और 3 दिन जो कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है उसको बहुत अच्छी तरह से होगा, और हमारे नागपुर के जो भाइयों का प्यार है संतरा नगरी और ये भारत के जो दिल की धड़कन कही जाती है मध्य, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के इसमें चरणों में स्पर्श करते हुए माला अर्पण करके हम अभी ये रैली को MLA कैंटीन और उसके गेस्ट जो है उसमें वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। इस अधिवेशन का आयोजन कोयला श्रमिक सभा की ओर से किया गया है। इस अधिवेशन में समूचे भारत के साथ ही विदेशों से भी मजदूर संघ के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। यह गौरव यात्रा संविधान चौक से निकलकर रामदास निवास पहुंची। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में मजदूर संघ उपस्थित हुए हैं। गौरव यात्रा के बाद आमदार निवास में मान्यवरों की उपस्थिति में अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन हुआ। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट, NBC न्यूज के लिए।